उनके बारे में मैं क्या बोलूं, पूरा देश उन पर थूक रहा है। जो कृत्य वो लोग किए हैं वो पूरे लोकतंत्र की लिए एक शर्मनाक घटना है। हम लोग तो साक्षी से वहाँ किस तरह एक, मैं क्या कहूँ, किस तरह ये घृणित काम कर रहे थे और किन शब्दों से उनकी निंदा करूँ ये मेरे पास शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से एक एक पल को, एक एक क्षण को, एक एक दृश्य को दिखा रहे हैं, उसको पूरा देश देख रहा है। वाकई में ये विपक्ष की लुटिया डूब रही है। माननीय मोदी जी के सामने ये लोग इतने नर्वस हो चुके हैं कि वो अपने आक्रोश को राज्यसभा जैसे बड़े सदन, अपर सदन में इतनी निष्ठापूर्वक दिखा रहे हैं। मैं तो उन बहनों को भी निवेदन करूंगा कि आप लोग मातृत्व के अस्मिता को भी आप तार तार कर दिए हैं उस सदन में। तो ये अब इसकी कल्पना भी आप करिए, हमारे उपराष्ट्रपति जी जो सभा के चेयरमैन हैं राज्यसभा के, वो रो पड़े। उनके रोने के बावजूद भी उनकी जो हरकत थी वो रुकी नहीं, और ये लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है और उसको हम लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। ये लोग तो शुरू से हम कह रहे हैं कि गांधी के नाम को लेकर चलने वाली पार्टी, गांधी जी के आदर्श को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं, ये सिर्फ नेहरू परिवार के आधार पर टिकी हुई पार्टी है। और महात्मा गांधी जी को, एक महात्मा गांधी जी के आदर्शों को ये लोग कहीं भी किसी भी क्षण किसी भी पल इन्होंने आत्मसात नहीं किया है। ये इनके कृत्य से ही नहीं, पूरे 70 साल से जो इन्होंने किया वो दिख रहा है। हम लोग तो कल्पना भी नहीं किए थे कि हमारी बहन छाया वर्मा जी और हमारी बहन फूलो देवी जी इस तरह की हरकत करेंगी, लेकिन पता नहीं क्यों अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए वो लोग भी छत्तीसगढ़ की अस्मिता को तार तार कर दिए, और वो दिख रहा है साफ। और मार्शल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि मार्शल तो उनको बचाने का, हटाने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे धक्का मुक्की ये कर रहे हैं। ये लोग तो एक गुंडे की तरह ये लोग उनको धक्का दे रहे हैं। तो ये कृत्य अच्छी बात नहीं है। मैं तो फिर से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कम से कम छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता को ये लोग तार तार उस उच्च सदन में ना करें।